नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, पर्यटकों से भरी गाड़ियां शिमला की ओर निकल पड़ी है। वजह है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर, प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलेगा और बारिश और बर्फबारी की संभावना का पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। आज रात से हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो सकता है और उसके कारण 6 और 7 मार्च को हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। प्रदेश में कल मौसम साफ रहा, करीब 3 दिनों बाद धूप प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खिली है और उसकी वजह से थोड़ा तापमान में भी दिन के समय थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि पहाड़ों में जब धूप खिलती है तो तेज़ खिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी हुई है उससे दुश्वारियां प्रदेश में लोगों की बढ़ गई हैं। शिमला सहित 7 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान इस वक्त माइनस में है। कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में मार्च के महीने में पड़ रही है। प्रदेश में अभी 4 नेशनल हाईवे सहित 601 सड़कें अभी बंद चली हुई हैं। 1436 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी ठप पड़े हुए हैं और उसकी वजह से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति है। बिजली गुल है, ऊपर से ठंड है और बिजली भी नहीं है, तो इस तरह की परिस्थितियों का हिमाचल के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में कई क्षेत्रों के में लोगों को इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। 124 पेयजल योजनाएं बारिश और बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुई है। भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ होते ही लाहौल स्पीति में 20 जगह पर हिमखंड गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से वे और प्रशासन की ओर से जारी की गई है। तो लोगों से भी हमारा प्रार्थना रहेगी और आग्रह रहेगा कि प्रशासन की ओर से जो ये हिमखंड को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करें, क्योंकि पालन नहीं करेंगे तो किसी प्रकार की समस्या या परेशानी में आप लोग पड़ सकते हैं। दिखते हैं, यदि हम देखें तो अभी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बरकरार है और लगातार 4थे दिन भी लाहौल किन्नौर और पांगी का सड़क संपर्क देश दुनिया से कटा रहा है। बहुत सारे रोड अभी वहां पर बंद है और उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और मंडी के बर्फबारी इलाकों में छात्रों को सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बोर्ड की परीक्षा देना बना हुआ है और लोग बर्फ में पैदल चलकर वार्षिक परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 मार्च को भी, यानी आज, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर से बारिश व बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में 6 और 7 मार्च को बारिश व बर्फबारी हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और यदि हम प्रशासन की माने तो लाहौल स्पीति किन्नौर में रिकॉर्ड बर्फबारी होने से करीब 20 जगहों पर हिमखंड गिरने की आशंका प्रशासन की ओर से जारी की गई है और लोगों को हिदायत दी है कि घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि कई जगहों पर हिमखंड गिर सकते हैं। रविवार को हुई बर्फबारी के बाद रोहतांग दर्रा में जो बर्फबारी हुई है वो 240 सेंटीमीटर है, जो मौसम विभाग का आंकड़ा है। केलोंग में 90 सेंटीमीटर है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल में 70 है, साउथ पोर्टल में 130 है, सोलंगनाला में 75 है, जलोड़ी दर्रा में 25 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और चंबा खजियार पर पहाड़ी दरकी है। चंबा खजियार मार्ग पर गुजनुई के पास भूस्खलन के चलते यातायात के लिए बाधित हो गया है। पहाड़ी दरकने से सड़क पर टनों के हिसाब से मलबा गिरने, चट्टाने के चलते राहगीरों को आवाजाही
नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण परेशानी वो वहाँ पर आ रही है। और निगुल सरी में पत्थर गिरने से एक जेसीबी ऑपरेटर की मृत्यु कल दुखद हुई थी। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में रहा है उससे जो दुश्वारियां बढ़ी है वो लगातार बरकरार हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों का अभी भी संपर्क सड़क जो संपर्क है वो कटा हुआ है। वजह है कि कई सड़कें अभी प्रदेश में बंद चली हुई हैं, अवरुद्ध हैं। 601 सड़कें हैं जो बंद हैं। 1436 बिजली के ट्रांसफार्मर अभी ठप पड़े हुए हैं। 124 पेयजल योजना है जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बंद है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में दुश्वारियां हैं वो बढ़ी हुई है। 20 जगहों पर हिमखंड गिरने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति को लेकर यह अलर्ट प्रशासन द्वारा जारी किया गया है कि 20 जगहों पर हिमखंड गिर सकते हैं। लोगों को हिदायत दी है कि वह अपने घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि हिमखंड गिरने का खतरा अभी बना हुआ है। और कुल्लू, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर और मंडी के बर्फबारी इलाकों में छात्रों को बोर्ड की परीक्षा देना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। और विद्यार्थी बर्फ में चलकर कई किलोमीटर तक पैदल चलकर परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्रों में इस वक्त पहुंच रहे हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम खराब रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। लेकिन 6 और 7 मार्च को राज्य के कई स्थानों पर फिर से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। कल और यानी परसों प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना और पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। वजह है कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 8 मार्च के बाद मौसम प्रदेश में साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। रेणु दीवान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। एसी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। लोकेंद्र परोस्ता जी का स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। वीर सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। रेणु कुरियन जी हमारे साथ बड़ोक से जुड़ी हैं, सोलन बड़ोक से, उनका स्वागत है। करसोग में आज हल्के बादल छाए हुए हैं, दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। गोपाल क्रांता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तीन सिंह जी ठाकुर हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अखिल जोगटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। महेश ठाकुर जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। मदन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजेश चौधरी जी का, केशव राम जी का और बंसी लाल जी का हम स्वागत करते हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त डुमहर से जुड़ गए हैं, अर्की डुमहर से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राकेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर जगदीश जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। धर्मशाला से जुड़े हैं बलवीर सैनी जी तो उनका स्वागत है। शिवानी नवीन सुंख्यान जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। राकेश रिंकुश शर्मा जी का स्वागत है। ज्ञानचंद जी का स्वागत है। रेणु धीमान जी का स्वागत है। TR शर्मा जी जुड़े हैं, गोपाल वर्मा जी जुड़े हैं तो सभी के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में सुरेश डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन की तस्वीरें आप पर देख रहे हैं। नीरज सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, सोलन में मौसम आज साफ है और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है। संदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राणा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मनोज दीवान जी का, DN चौहान जी का, संदीप शर्मा जी का, मनोहर लाल जी का, प्रवीण नेगी जी का, नीरज सिंह ठाकुर जी का, सुरेश डोगरा जी का, TR शर्मा जी का, गोपाल वर्मा जी का, सभी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। आत्माराम शर्मा जी, कुलदीप ठाकुर जी और DN चौहान जी आपका भी स्वागत है। और रेणु दीवान जी, नूरपुर में भी बादल हैं और रेणु जी हमें जानकारी दे रही है कि नूरपुर में बादल छाए हुए हैं। सुरेश जस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं और रेणु जी का धन्यवाद भी करते हैं जो मौसम की हमें जानकारी अपने क्षेत्र की दे रही हैं। और राजीव मंतान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। चंद्रमणि भाटिया जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। और विनोद जी हमारे साथ नेरवा से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जगदेव नेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुशल कुमार जी जुड़े हैं, राजीव जी जो हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और प्रदेश में पिछले दिन जो बर्फबारी और
बारिश हुई है तो उससे तापमान में भी काफी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है। सात शिमला सहित प्रदेश की राजधानी शिमला सहित सात जगहों में तापमान इस वक्त माइनस में चला हुआ है और क्या तापमान रहा है उसकी भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तापमान के शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त -0.1 है, सुंदरनगर में 4.3 है, भुंतर में 4.1 है, कल्पा में -2.4 है, धर्मशाला में 6.5 है, ऊना में 3.7 है, नाहन में 8.2 है, केलोंग में -10.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान केलोंग का चला हुआ है, पालमपुर में 1.2 है, सोलन में 3.4 है, मनाली में -0.4 है, कांगड़ा में 5.3 है, मंडी में 4.7 है, बिलासपुर में 8.2 है, डलहौजी में 0.2 है, जुबड़हट्टी में 2.8 है, कुफरी में -3 डिग्री सेल्सियस है, कुकुमसेरी में -11.2 है, कुकुमसेरी में ठंड अब बढ़ गई है, नारकंडा में -2.9 है, सेवबाग में 1.8 है, धौलाकुआ में 7.4 है, बठी में 7 डिग्री सेल्सियस है, मशोबरा में 1.9 है, पांवटा साहिब में 9 डिग्री सेल्सियस है, सरहान में 2.5 है, देरा गोपीपुर में 7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन में सामान्य से 950% ज़्यादा बादल बरसे हैं, इस तरह का आंकड़ा अब सामने आया है हिमाचल प्रदेश का कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में यानी जो प्रदेश में रविवार को बारिश का दौर एक चला था तो उसका एक आंकड़ा आया है कि बारिश हो रही है, रविवार को सामान्य से 950% अधिक बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। 3 मार्च को 4 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी गई थी जबकि रविवार को एक दिन में 42.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पूरे प्रदेश की बात करें तो मनाली में 33 साल बाद सबसे ज़्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इससे पहले 1990 में 112 मिलीमीटर बारिश मनाली में रिकॉर्ड की गई थी। राजधानी शिमला में 7 साल बाद मार्च के महीने में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और वर्ष 2016 में वहां पर 43.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। नाहन शहर में 2015 के बाद सबसे ज़्यादा बादल बरसे हैं, यहां 9 साल बाद 83.3 मिलीमीटर बारिश वहां पर रिकॉर्ड हुई है। 2015 में नाहन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। धर्मशाला में 3 साल बाद सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। 2020 में 152 मिलीमीटर बारिश धर्मशाला में रिकॉर्ड हुई थी जबकि रविवार को धर्मशाला में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने यह जानकारी दी है कि हिमाचल में पश्चिम विक्षोभ बेहद सक्रिय रहा है, इस कारण हिमाचल में सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो कुल मिलाकर ओलावृष्टि और अंदर से स्ट्रॉबेरी गेहूं की फसल को भी हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में नुकसान हुआ है और किसानों को उससे थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी हैं। मैक्सिमम तापमान की बात करें तो प्रदेश का जो मैक्सिमम तापमान है उसमें भी अब थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें क्योंकि बहुत कम संख्या में हमारे दर्शक जुड़ते, बहुत अधिक संख्या में लेकिन शेयरिंग काफ़ी कम है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आप लोगों की आपके लोगों के माध्यम से दी गई जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और शिमला सोलन की पहाड़ियों पर अब धूप भी निकल गई है, सूर्य देव के भी दर्शन हो गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम कम से कम सोलन में तो साफ रहेगा। कई जगहों पर बादल आज छाए हुए हैं, कल से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। शिमला में के तापमान की बात करें मैक्सिमम की तो 10.4 है। शिमला में दिन में भी कड़ाके की ठंड है और रात को भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुंदरनगर में 18 डिग्री सेल्सियस है, भुंतर में 18.8 है, कल्पा में 7.3 है, धर्मशाला में 14.9 है, ऊना में 22 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 18.8 है, सोलन में 16.5 है, मनाली में 10.5 है, कांगड़ा में 20.2 है, मंडी में 17.7 है, बिलासपुर में 20.6 है,
और डलहौजी में 5.4 है, जुबलहट्टी में 13.14, कुफरी में 5 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 6 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में 9.6, रिकांगपियो में 11 डिग्री सेल्सियस, शिवबाग में 15.5, धौलाकुआ में 21.6, भट्टी में 18.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो टीकाराम ओली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर 2-3 शहरों में ही 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, बाकी जगह ठंड इस वक्त बड़ी है। टीकाराम ओली जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, बालक राम डोगरा जी का स्वागत है और ईशु ठाकुर जी, और भूकंप के भी झटके महसूस हुए हैं अभी अभी, ईशु ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। कल लाहौल स्पीति में भी हुए थे और अभी ईशु जी जानकारी हमें दे रहे हैं, और ईशु जी की तरफ से जानकारी आई है कि भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं। और मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं शाहतलाई से, और शाहतलाई में भंडारा दे रहे हैं मार्बल मूर्ति वाले, और मनोज जोशी जी की तरफ से जानकारी आई है। और शाहतलाई के लोगों के लिए सूचना भी है, जो श्रद्धालु बाबा बालकनाथ के मंदिर में जा रहे हैं तो उनके लिए वहां पर भंडारा भी का आयोजन शाहतलाई में इस वक्त आज हो रहा है। राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और पुष्पेंद्र ठाकुर जी रामशहर से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, रामशहर में मौसम साफ है। कमल राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण शर्मा जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, ठाकुर इंद्र प्रकाश चौहान जी का स्वागत है, सुभाष कुंडीर जी का, वर्मा बबलू जी का, शेर सिंह जी का, रिक्की जी का, और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनकी तरफ से हमें अपडेट भी आई है तो उसको भी हम लेना चाहेंगे। राजेंद्र वर्मा जी, सुमित जसवाल जी, मुनीश ठाकुर जी और संग्राम जी, संतोष शर्मा जी, ओम प्रकाश चौहान जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रामशहर के मौसम की खेमराज जी जुड़े हैं, प्रवीण शर्मा जी जुड़े हैं, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, ठाकुर इंद्र प्रकाश जी, सुभाष कुंडीर जी, वर्मा बबलू जी, शेर सिंह जी, रिक्की जी, और आज शिकारी देवी कमलू नाग में मौसम साफ है, गोकुल ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी आई है। संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं और दीपक ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अच्छी बारिश होने से लगभग 1 महीने के बाद करसो में मटर का सोलन मंडी में दस्तक दे सकता है। करसो से मटर धीरे धीरे आना अब मंडी में शुरू हो चुका है। और संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश शर्मा जी, रुपेंद्र कश्यप जी, संजय ठाकुर जी का स्वागत है, और ईशु ठाकुर जी सिराज से हमारे साथ जुड़े हैं और सिराज की वो जानकारी दे रहे हैं। सुमित जसवाल जी, क्लाइमेट कूल है और दिल्ली में, दिल्ली से जुड़े हैं सुमित जी हमारे साथ है। ललिता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और भूपेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं मनाली से। मनाली में मौसम ख़राब है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो आज भी मौसम ख़राब रहने की उम्मीद है। रणवीर जी जुड़े हैं, नानक आदित्य नीतिका चौहान जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रंजीत ठाकुर जी, और रंजीत ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू बंजार में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं 657 पर। तो अभी अभी झटके कुल्लू बंजार में आए हैं, हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके भी महसूस हुए हैं और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ठाकुर बलबीर जी हमारे साथ बीबीएन से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, मौसम बीबीएन का साफ है। ठाकुर पवनेश जी का भी हम स्वागत करते हैं, राजेंद्र कुमार जी का भी स्वागत है, प्रियंक दत्त जी का मंडी क्लियर है, मंडी का मौसम, कांता चौहान जी, बलबीर सिंह चौहान जी, दिल्ली में मौसम साफ है, बलबीर जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, और हर्ष राज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। सोलन से हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं, लुकेंद्र परोसा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। लुकेंद्र जी बता रहे हैं कि सीएम जी आज नेरवा आ रहे हैं 1 बजे, और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का वहाँ पर कार्यक्रम है। कुलदीप सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, सुरेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, दिनेश कुमार जी हमारे साथ सिराजी जी सिराज से जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं, हरीश राज जी का भी स्वागत है, सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है। अभी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, पवन ठाकुर जी का भी स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर आज मौसम साफ रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग का पूर्वानुमान है।
कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और 6 और 7 मार्च को उसका असर देखने को मिलेगा। आज ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रह सकता है और कुछ एक क्षेत्रों में, यदि हम मौसम की बात करें तो कुछ एक क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं, तो इस तरह की संभावना है। लोगों की जो बारिश की वजह से जो दुश्वारियां हैं बर्फ़ की वजह से और बड़ी हैं। 601 सड़कें अभी भी हिमाचल प्रदेश में बंद है। 1400 के करीब ट्रांसफार्मर अभी बंद चले हुए हैं। 147 पेयजल योजनाएं अभी बंद है, प्रभावित हुई है, उसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बड़ी हैं। विशेषकर जिनकी बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है उन्हें बहुत कठिनाइयों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें बच्चों को आ रही है। लेकिन बोर्ड की परीक्षा है, अब उसके लिए तो उन्हें परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जिस तरह की दिक्कतें आ रही है उसको लेकर प्रशासन ने कोई तैयारियाँ नहीं की थी, तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस तरफ शायद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि उनके अभिभावक हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी और जो दुश्वारियां बड़ी है उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। राजपूत जगमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ सर जी, और गोपी मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुबेराम शर्मा जी, राजपूत पंवर जी, सुनील जी, वीरेन और जगवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरोत्तम राम जी खोली से जुड़े हैं, मौसम साफ है और 2-4 इंच बर्फ खोली में पड़ी है, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश शर्मा जी, अभी ठाकुर जी, क्या विंटर शुरू हो गया है, बहुत ठंड है, विंटर ख़त्म नहीं हुआ था, बीच में थोड़ा सा थमा था और लेकिन फिर से शुरू हो चुका है, भूपेंद्र ठाकुर जी, पवन ठाकुर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, अभी ठाकुर जी और कुलदीप जी, सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुलदीप जी, बारिश अच्छी हुई है हिमाचल प्रदेश में इस बार, और संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुबोध सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, कुलदीप घई जी मंडी से जुड़े हैं, मंडी में मौसम साफ है, उनका स्वागत भी है, कुलदीप मेहता जी, राजपूत जगमोहन जी का हम स्वागत करते हैं, वो भूपेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप लोगों के हम आभारी भी हैं। मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही है। डैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्ना से, तो उन्ना में मौसम साफ है और उनका धन्यवाद भी करते हैं कि वो अपडेट दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात करें तो आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। राकेश शर्मा जी का स्वागत है। लेकिन कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में और बोर्ड की परीक्षाएं चली हुई है और 6 और 7 मार्च को मौसम खराब बताया गया है, तो 7 तारीख को भी शायद 7 मार्च को एग्ज़ाम है बोर्ड की परीक्षा का, मैट्रिक का, सीबीएसई बोर्ड का, तो बच्चों को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए प्रशासन से हमारा आग्रह रहेगा कि बारिश को देखते हुए, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात को देखते हुए अभी से ही बोर्ड के परीक्षा केंद्रों तक बच्चों को पहुंचाने के लिए किस तरह की तैयारियां करनी है प्रशासन ने, उस तरह की करें क्योंकि बच्चे हैं और अभिभावक भी परेशान होते हैं क्योंकि समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना है, तो इस तरह की दिक्कतें बच्चों को आजकल आ रही है क्योंकि किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला में तो इस बार, और साथ में यदि हम कुल्लू को भी जोड़ दें, कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो जमकर हिमपात हुआ है और अभी भी सड़क मार्ग 601 सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद चली हुई है, 1300 कुछ ट्रांसफार्मर बंद है, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, बिजली गुल है और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना भी एक चुनौती बना हुआ है। तो देवेंद्र बलूनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में रविंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है, राजीव कटनोरिया जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, राकेश शर्मा जी का स्वागत है, सभी दर्शकों का, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमें यह जानकारी मौसम की मिली है और वही जानकारी हमने शेयर की है। और कुलदीप घई जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीतम कंवर जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और हमें दे इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।